गाइज आई एम रियली सॉरी कि आज मैं कॉल पे नहीं आ पाया, आज एक भी कॉल नहीं ले पाया बिकॉज कुछ स्पेशल गेस्ट जो है मेरे घर पे आ गए थे और उसी टाइम पे ही आ गए थे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बट डोंट वरी, कल मैं बिल्कुल लाइन पे रहूँगा, 2 घंटे बिल्कुल आपसे बात करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो चलिए आज की बात करते हैं। देखिए, मैं जनरली कॉल जब लेता हूँ तो मैं पिछले एक सप्ताह से देख रहा हूँ कि बहुत से लोग इस बात के लिए मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो ये रिएक्शन चैनल्स वाले होते हैं, जो मूवीज़ का रिएक्शन देते हैं, जो ट्रेलर रिएक्शन वाले चैनल होते हैं, जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह का ट्रेलर का ये सब पिक्चर्स का रिव्यू देते हैं, या फिर कोई यूट्यूब चैनल का या किसी चीज़ का भी रिव्यू देते हैं, वो लोग गेम का रिव्यू कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो कैसे देते हैं, उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं करता है यूट्यूब? तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कवर सॉन्ग, या फिर कुछ कोरियोग्राफर होते हैं जो कि पूछते हैं कि डांस में हम मिक्स करना चाहते हैं गाना, तो वो कैसे करते हैं, लोग कैसे करते हैं, हमें क्यों नहीं, हमें क्यों ऐसा मैसेज आता है? तो बस यही चीज़ जो है इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली और एंड टिल लास्ट, नहीं तो बिल्कुल आप कुछ गलत कदम उठा बैठेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा, मैंने अंत तक इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट दी है, ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, ये है वो कॉपीराइट एक्ट ईयर 1976 का, जिसके सेक्शन 107 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी कॉपीराइटेड म्यूज़िक या फिर वीडियो या फिर कंटेंट को अगर फेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फेयर यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा आपको हम बाद में समझाएंगे। अब समझ लीजिए कहाँ कहाँ के यूज़ कर सकते हैं अलाउड है। क्रिटिसिज्म, यानी जो ट्रेलर रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअली क्रिटिसिज्म के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए इसके चलते वो यूज़ कर लेते हैं। कमेंट्स, न्यूज़ वाले यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग वाले यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, जैसे हम सिखा रहे हैं, यूज़ करें यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ वीडियोस को, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च के लिए, ठीक है। लेकिन जो है ये चीज़ जो है फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल बेईमानी करें, ठीक है। आपको सबसे पहला कंडीशन उसमें ये है कि आपको यूज़ करना है जो कॉन्टेंट, वो ऐसा नहीं कि अगर आपका वीडियो है उसका ऐसा नहीं कि पूरा यूज़ कर लिए, 70% 80% यूज़ कर लिए, आपको मात्र यूज़ करना है। फेयर तभी कहा जाएगा जब आप दूसरे के कंटेंट को, कॉपीराइटेड कंटेंट को लेस देन 30% यूज़ करना होता है लीगली, ठीक है, लेस देन 30%। आप चाहे उसे एक जगह यूज़ कर लें, चाहे मल्टीपल जगह यूज़ कर लें। सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक वीडियो है 10 मिनट का, तो उसमें 3 मिनट का आप यूज़ करें, 3 मिनट या उससे कम यूज़ करते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट अपने वीडियोस में एक जगह या मल्टीपल जगह जोड़कर, बाकी 70% आपका वर्क होना चाहिए उसके अंदर, तो एक फेयर यूसेज माना जाता है। आमतौर पर इसके लिए आप फेयर यूसेज में ये भी आता है कि आप उसके लिंक जो हैं, जो जहाँ से आपने लिया है उसका डिस्क्रिप्शन, उनका जो क्रेडिट है आप वहाँ मेंशन कीजिए, जो नीचे में है जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ भी है कि आप उसे फुल स्क्रीन में अगर प्ले करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक, तो वो भी एक इलीगल ही चीज़ माना जाता है, फेयर यूसेज नहीं माना जाता, वो माना जाता है बेईमानी माना जाता है एक तरह से। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उसे छोटे स्क्रीन में वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने जब 30% कहा तो बहुत से लोग ये थोड़ा मन में आ गया होगा, जो लोग कवर सॉन्ग या फिर डांस या कोरियोग्राफी में होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे म्यूज़िक को, हमको तो पूरा यूज़ करना पड़ेगा उसे, ठीक है, कवर सॉन्ग गा रहे हैं तो पूरा यूज़ करना पड़ेगा, या फिर उसका म्यूज़िक या फिर डांस क्लास कोरियोग्राफी कर रहे हैं तो पूरा यूज़ करना पड़ेगा, वो देखिए अलग केस होता है, ठीक है। इस केस में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा अगर ये आप यूज़ करते हैं तो, जितना रेवेन्यू, जितना पैसा जनरेट होगा आपके वीडियो से आपको ही मिलेगा पूरे, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको मैं, कि जैसे कवर सॉन्ग की जो बात आई, तो कवर सॉन्ग जो है उसके लिए YouTube ने नया चीज़ निकाला है, उसका अलग रूल्स है थोड़ा, ठीक है, मोनेटाइजिंग कवर सॉन्ग का, ठीक है। उसे अभी देखिए, क्रिएटर्स पार्टिसिपेटिंग इन YouTube पार्टनर प्रोग्राम कैन आल्सो शेयर कैन नाउ शेयर द रेवेन्यू फ्रॉम एलिजिबल कवर सॉन्ग। देखिए, सारे कवर सॉन्ग जो है एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, कुछ ही हो, वो डिपेंड करते हैं कॉपीराइट ओनर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि उनको रेवेन्यू का शेयर करना पड़ेगा, मतलब कुछ हिस्सा जो है उनके डिपेंड करता है उनके ऊपर कितना हिस्सा वो मांगते हैं। मैं डिटेल्स जो है ना आपको, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, डिटेल अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए, आप ऐसा ऑप्शन आएगा आपके पास, जैसे जब वीडियो लोड करेंगे तो पूछेगा यहाँ पे आके, इस दिन से कवर सॉन्ग, क्या आपने इस कवर सॉन्ग यूज़ किया किसी समबडी एल्स का,
तो आप मोनिटाइज़ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है। तो उसमें आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है कुछ परसेंटेज, तो ऐसे कमाते हैं कवर सॉन्ग। एक्चुअली बेसिकली कवर सॉन्ग या फिर जो कोरियोग्राफी होते हैं वो लोग बेसिकली पैसा कमाना उनका मोटो नहीं होता एक्चुअली, वो लोग चाहते हैं फेम, पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ भी कर सकते हैं अदर तरीके से। तो ये चीज़ है, चलिए आपको दिखा देते थोड़ा कुछ वेबसाइट्स पे, जैसे ये ट्रेलर रिएक्शन है, ठीक है, थ्री इडियट्स का ट्रेलर रिएक्शन दे रही है मैडम ये, तो आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ ओरिजिनल लिंक दिया हुआ है इन्होंने कि यहाँ से मैंने लिया, आप किया क्लिक कीजिएगा तो इन्होंने जो ये यूज़ किया वो दोनों का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से इन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद देखिए ये जैसे इन्होंने ट्रेलर रिएक्शन दिया है तो डेफिनेटली इन्होंने भी दिया है। उसके अलावा और भी देख लीजिए आप यहाँ पे, ये तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ही यूज़ कर रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड लाइसेंस भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे स्टैंडर्ड लाइसेंस के लिए ही बनाया गया ये रूल्स एक्चुअली, क्रिएटिव कॉमन तो आप पूरा भी यूज़ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्रिएटिव यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, चलिए। उसके बाद ये कैरी मिनाती जो है आप देखते होंगे हमेशा दूसरों के वीडियोस लाते हैं, उनके उन पे कमेंट करते हैं, बोलते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है सारा सोर्स कहाँ से लिया था, ऑटो इन्होंने तो डिस्क्लेमर तक लिख दिया है कि हाँ 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 ये देखिए कि ये फेयर यूसेज अलाउड है, ठीक है। तो ये जो है वो तरीका होता है। अब चलिए हम आपको हम दिखाएंगे अपने चैनल पर दिखाने जा रहे हैं थोड़ा, चलिए अब आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। ये देखिए दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे गाना है, ये वीडियो सॉन्ग है जो कि मैंने डाउनलोड किया है नेट से और उसे कट कर लिया है, एक दो मिनट का है लगभग ये। अब इस गाना को मैंने अपने एक वीडियो में केवल इसका ऑडियो मिक्स किया है जिसमें कि 30% से ज़्यादा है ऑडियो, ठीक है, जो कि यूज़ नहीं किया जा सकता इस रूल के हिसाब से। आप देखिए मैंने पूरे वीडियो में डाल दिया है ये ऑडियो, ठीक है। दूसरा जो है इसमें एक वीडियो मिक्स्ड है, ठीक है, एक मेरा वीडियो है जिसमें कि ये गाना जो है ये भी 30% से ज़्यादा मिक्स किया गया है जो कि ये भी अलाउड नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी आप एक गैप पास यही वाला जो है तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए जो कि अलाउड है, ये DDLJ का वीडियो सॉन्ग है जिसमें कि मैंने 30% से कम रखा है इस गाना को, और वीडियो में मेरी आवाज़ ज़्यादा है, मेरी वीडियो ज़्यादा है कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक गलती की है इसमें जो कि फुल स्क्रीन में डाल दिया है मैंने गाना, देखिए ये फुल स्क्रीन में गाना, ये फुल स्क्रीन में नहीं डालना होता, आपको कोशिश कीजिएगा छोटा विंडो में डालिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली फेयर यूसेज पॉलिसी हो सकता नहीं हो, लेकिन इसे मान भी सकता है कि नहीं हो, लेकिन एक्चुअली ऐसे ही करना चाहिए, मैंने गलती से ऐसा रिकॉर्ड किया, लेकिन उसका ये जो रूल है 30% से कम वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, अभी मैंने ये दो जो गाने हैं मैंने अपलोड कर दिए, ऑडियो वाला और ये वीडियो वाला जो कि अलाउड नहीं है 30% ज़्यादा वाला। देखिए आप मेरे चैनल पे मैंने ऑडियो वाला मिक्स्ड मोर देन 30% अपलोड किया, इस पे आ गया सीधे सीधे इंक्लूड कॉपीराइटेड कंटेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब मैं अपलोड करता हूँ उसको, ठीक है, जो कि 30% से कम कंटेंट करता है। अब एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आप भाग जाइएगा, थोड़ा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, नहीं तो फंस जाएंगे फिर बाद में। हाँ, लेस देन 30 सेकेंड इसे अपलोड करता हूँ। आप ये तो मैसेज जो यहाँ पे आ जा रहा है कंटेंट आईडी मैच का है कॉपीराइटेड का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैं गाना मिक्स किया वो उसने कंटेंट आईडी जो है ले लिया है यूट्यूब से, इसलिए तुरंत आ जा रहा है। लेकिन अगर यही आप किसी दूसरे ऐसे जो कि पॉपुलर नहीं है, है लोग उनके वीडियो जैसे हमारे वीडियो या फिर किसी और के वीडियो आप मिक्स करते हैं तो आपको ये मैसेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉपीराइट का मैसेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा आपको। आप उसे अपलोड कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने रूल वायलेट कर दिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे समझाएंगे बाद में उसे, अब देखिए पब्लिश करते हैं इसे हम, आप वीडियो वाले से हम वापस चलते हैं और आप देखेंगे कि ये लेस देन 30% जो है मोनेटाइज हो गया और अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का इसमें कोई, ठीक है। अब इसे हम व्यू करके भी देख सकते हैं, अब प्ले हो जाएगा ये थोड़ी देर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ,
आप देखिए इसमें व्यू भी काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें। तो अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मैं जो बात कर रहा था उससे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो मैसेज आता है वो उन्हीं के लिए आता है लोड करते समय। आप वीडियो अपलोड करते हैं, आप अगर रूल फॉलो नहीं करते हैं तो ये मैसेज तभी आता है, सपोज कर लीजिए जब आपने उन कंपनीज़ का उनका वीडियो अपलोड किया जो कि बहुत पॉपुलर है, जिन्होंने कंटेंट आईडी ले लिया यूट्यूब से, इसलिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, कॉन्टेंट आईडी आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा एक बाद में वीडियो बना के। ठीक है, तो वो एक सिस्टम होता है कॉन्टेंट आईडी एक्चुअली खरीदना पड़ता है। अगर बहुत पॉपुलर हो गए आप, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जैसे मेरा कभी भी कोई वीडियो अपलोड करे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसमें उसको ये मैसेज आ जाए, हमको कोई मतलब अलग से कॉपीराइट के लिए उसको रिपोर्ट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो एक सिस्टम है यूट्यूब का, कंटेंट आईडी आप ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी है वो आपको बताएंगे अलग वीडियो में। ठीक है, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए बहुत पॉपुलर होना पड़ता है, तब आपको मिलेगा कॉन्टेंट आई डी। तो चूंकि ये टी सीरीज़ वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो इन्होंने कॉपी राइट कॉन्टेंट आई डी ले लिया है यूट्यूब से, इसलिए ये मैसेज आता है। ठीक है, अगर आप ये हमारा वीडियो या फिर और किसी और का वीडियो आप डालेंगे ऐसे, ठीक है, मोर देन 30% तब भी ये मैसेज नहीं आएगा आप। और क्या होगा कि जब वो देखेगा बंदा कि आपने उसका वीडियो लोड किया है, तो आप वो आपको रिपोर्ट भी कर देगा कॉपीराइट का। ठीक है, तो रिपोर्ट फिर यूट्यूब वाले देखेंगे उसे, अब देखेंगे वो कि क्या वो रियली 30% से कम कंटेंट है या फेयर यूसेज यूज़ किया है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा वहाँ पे बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस चीज़ को और फॉलो करेंगे, राइट। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमें पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख के। तो गाइस, अब बारी है आज के YouTube चैनल प्रमोशन की, और आज बारी है टेकी फरूखी की। टेकी फरूखी जो है एक टेक चैनल है और अनबॉक्सिंग वगैरह का जो स्टफ है रखते हैं वो ज़्यादातर। सब्सक्राइबर इनके पास अभी 205 हैं, ट्विटर का पेज है, गूगल प्लस पेज है, आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए मोबाइल का अनबॉक्सिंग वगैरह किए हुए हैं। ठीक है, मैंने जो गिफ्ट भेजा था उसका वो भी रखे हुए लगता है ये सब। और फ्लेम का GTS मीटअप में भी गए थे, वाह वाह वेरी गुड। और रेडमी नोट 2 ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग वगैरह सब काफ़ी अच्छा करते हैं लगता है। टेम्पर्ड ग्लास का, रेडमी 3 का अनबॉक्सिंग, फैन, बहुत सारी LED बल्ब, बहुत सी चीज़ों का, सिम कटर टूल का अनबॉक्सिंग, तो ये सब काफ़ी चीज़ें करते हैं। प्लीज़ गाइज, अगर आपको इनका वीडियो अच्छा लगता है तो आप इन्हें सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्टली इनके चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल पे जाने के बाद मैं अब ऐसा ही कर रहा हूँ, लिंक के बजाय मैं यहाँ पे ही डाल दे रहा हूँ फीचर चैनल में। सबसे पहले जिस दिन प्रमोट कर रहा हूँ वैसे उस दिन सबसे पहले रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाएगा। ठीक है, तो आज टकी फरूखी यहाँ पे है, आप क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं।